हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू एक्सरसाइज ऑन कंजंक्शंस प्रपोजिशंस एंड डिटामाइनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस यू ऑल नो दैट कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जिनसे हम किन्हीं दो वर्ड्स को फ्रेजेस को सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं So the very first sentence that we are seeing on a screen is four dash four makes eight. So it will be four and four makes eight. That is, you are going to write and next is dash he dash his brother went to school so the answer will be neither he nor his brother went to school so you will write neither he nor his brother went to school next he is dash a villain dash a saint So, you can fill in over here as he is neither a villain nor a saint. You can also write he is either a villain or a saint. So, because we have already filled neither nor in the above sentence, here we should write either E I T H E R, either or. So, yato wo villain hai. या वो सेंट है नेक्स्ट फोर सेंटेंसेस डैश शी डैश हर ब्रदर अटेंडेड द पार्टी सो हियर अगेन विल चूज नाइदर शी नॉर हर ब्रदर तो ना तो उसने और ना ही उसके भाई ने पार्टी अटेंड करी फिफ्थ वन द मैन इज़ पुअर बट He is generous. So the answer will be man is poor but he is generous. Contrast hai wo gareeb hai lekin wo dayalu hai. They decided to go home. This is the sixth one. They decided to go home dash. The party was not over. They decided to go home. Although the party was not over. Although ka matlab hota bhale bhalehi. So they decided to go home although the party was not over. Seventh one. I haven't met my classmates since I left school. सेंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से लेकर आज तक मैं अपने क्लासमेट्स को नहीं मिला हूँ एर्थ वन पार्क विल रिमेन क्लोज डैश द एलिगेटर हैज़ बीन कैप्चर्ड द पार्क विल रिमेन क्लोज टिल द एलिगेटर हैज़ बीन कैप्चर्ड तो ये पार्क तब तक बंद रहेगा जब तक कि एलिगेटर पकड़ा नहीं जाता नाइन्थ वन डैश तनु कम्स फ्रॉम वर्क हर डॉग कोको रन्स टू ग्रीठर सो so, यू कैन राइट वैन तनु कम्स होम फ्रॉम वर्क हर डॉग कोको रन्स टू ग्रीटर टेंथ वन शी मस्ट रेस्ट और उसको रेस्ट करना चाहिए नहीं तो वो फेंट कर जाएगी वो बेहोश हो जाएगी सो दीज वर सम ऑफ़ द कंजंक्शंस नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ प्रपोजिशंस सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू फिल इन द लाइन जम्प्ड डैश अ बिग रिंग बिग रिंग में से होकर के लाइन जंप किया है इसलिए थ्रू द लाइन जंप थ्रू अ बिग रिंग

हमटी डमटी फ़ेल डैश द वॉल फेल फ्रॉम द वॉल वॉल पर से गिर गया द डॉग रैन डैश द हाउस स्निफिंग फॉर हिज बोन द डॉग रैन टू द हाउस स्निफिंग फॉर हिज बोन

शहर में डैश डॉग बिलोंग्स टू मी सो यू कैन राइट दिस दिस डॉग्स दिस डॉग बिलोंग्स टू मी नेक्स्ट वन आई थिंक देर आर अ डैश मैंगोज इन द बास्केट देर आर अ फ्यू मैंगोज कुछ मैंगोज हैं आई कैनॉट लेंड यू एनी मनी नाउ मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा अब अ क्रिकेट टीम कम्प्राइज ऑफ मैनी बहुत सारे प्लेयर्स थे मिल कर के बनती है सो इट विल भी ऑफ मैनी लॉर्ड माउंट बैटन वॉज द लास्ट आखिरी ब्रिटिश वॉयसराय था वो तो लास्ट आई कैन स्पीक मनी लैंगवेज़ मैं बहुत सारी भाषाएँ बोल सकती हूँ डैश ब्रदर इज ही एनी वे वो कौन सा भाई है तुम्हारा कज़न है रियल है सो इट कैन बी विच विच ब्रदर Is he anyway? I think I have eaten too much. मच मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा खा लिया सो टू मच तो मैनी एनी फ्यू मोर मच ये सब डिटरमाइनर्स कहलाते हैं जो कि क्वान्टिट्टी के बारे में बात करते हैं नाउन कितने क्वान्टिटी का है सो आई होप दिस शॉर्ट एक्सरसाइज एंड वीडियो विल बी ऑफ हेल्प यू वी हे डन द होल एक्सरसाइज If you have any questions, you can ask in the comment box. Bye bye for now. Keep learning. Stay safe.